हाँ तो गाइस, आज हम बात करेंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर बेस्ड मोबाइल के बारे में। कुछ टाइम पहले अभी क्वालकॉम ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया है किस किस मोबाइल में 2020 में आने वाला है स्नैपड्रैगन 865। इस लिस्ट में वो मोबाइल तो थे ही जो लॉन्च हो चुके हैं या जो लॉन्च होने वाले हैं और कंपनियों की तरफ से कन्फर्म हो चुके हैं, पर वो मोबाइल भी थे जो अभी तक कंपनियों की तरफ से कन्फर्म हुए ही नहीं हैं, पर क्वालकॉम ने बता दिया है कि उनका चिपसेट इन मोबाइल में होने वाला है। तो चलिए उन सभी के नाम के बारे में और मोबाइल के बारे में बात करते हैं। हाँ तो गाइस, ये जो फ़ोन है वो हमारी लिस्ट का भी पहला फ़ोन है और इंडिया का भी पहला फ़ोन है जो 5G के साथ आता है। आप लोग समझ ही गए होंगे, पर रियलमी X50 प्रो गाइस, ये लॉन्च हो चुका है हमारे यहाँ पर इंडिया में। और दूसरा है iQOO, जो कि इंडिया का सेकेंड 5G फ़ोन है, iQOO 3। तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो फ़ोन्स नहीं है, फ़ोन्स की पूरी सीरीज़ है जिसमें स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, सैमसंग की S20 सीरीज़। तीनों फ़ोन में 865 प्रोसेसर है। चौथे फ़ोन की बात करें तो ये आते हैं रेडमी की तरफ से, MI 10 और MI 10 प्रो। इन फ़ोन्स में भी आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर। पाँचवें फ़ोन की बात करें तो ये पाँचवा फ़ोन आता है सोनी की तरफ से, सोनी Xperia 1 Mark 2। सिक्स नंबर की बात करूँ तो सिक्स नंबर पर आ रहा है LG का V16 ThinQ। सेवन नंबर की बात करें तो सेवन नंबर पर आ रहा है ZTE Xen 10S Pro। एट्थ नंबर की बात करें तो एट नंबर पर आ रहा है Shark Aquarius R5G। हाँ तो गाइस, अभी तक हमने जितने भी फ़ोन्स की बात करी वो सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो अनाउंस हो चुके हैं ऑफिशियली, पर अब जिन फ़ोनों की बात करने वाले हैं उन फ़ोनों की अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। कुछ फ़ोन्स के रूमर जरूर चल रहे हैं पर कुछ तो कंपनियों ने अभी तक बोला ही नहीं है उनके बारे में कुछ भी, पर स्नैपड्रैगन ने साफ साफ बोल दिया है उनका प्रोसेसर आने वाला है इन फ़ोन्स में। तो चलिए हमारी लिस्ट को फिर से शुरू करते हैं और नाइन नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये रेडमी की तरफ से आने वाला है K30 Pro, उसमें भी होने वाला है स्नैपड्रैगन 865। टेंथ नंबर की बात करें तो टेंथ नंबर पर आता है OnePlus 8 और 8 Pro। 11th नंबर की बात करें तो 11th नंबर पर आता है Zenfone 7। 12th नंबर की बात करें तो कुछ टाइम में लॉन्च होने वाला है ये फ़ोन Oppo की तरफ से, Oppo Find X2। 13th नंबर पर बात करें तो 13th नंबर पर आता है Nubia Red Magic 5G। 14th नंबर की बात करें तो एक गेमिंग फ़ोन आता है इस पे Asus की तरफ से, ROG Phone 3। ये भी Snapdragon 865 प्रोसेसर बेस्ड होगा। 15th नंबर की बात करें तो 15th नंबर पर आता है Black Shark 3। 16th नंबर की बात करें तो 16th नंबर पर आता है Lenovo Legion गेमिंग फ़ोन। इस फ़ोन में भी स्नैपड्रैगन 865 होने वाला है। 17th नंबर की बात करें तो 17th नंबर पर आता है सोनी का Xperia Pro। इस फ़ोन में भी होने वाला है स्नैपड्रैगन 865। और अभी तक मैंने जितने भी फ़ोन बनाए हैं इन सब में स्नैपड्रैगन 865 होने वाला है। हाँ तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।